सो गाइज, ये रही ह्युंडई वर्ना 2022, जो कि हालांकि हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही परचेस करी है। एंड आप लोग देख सकते हैं इसका फ्रंट लुक ऐसा मिलता है आप लोगों को। एंड ये है एसएक्स मॉडल, सो इसकी ग्रिल आप लोगों को ऐसी मिलती है। एंड इसका प्रीवियस मॉडल भी आया था जो कि फेसलिफ्ट हुआ था कुछ 2018-19 में, जो कि इससे काफ़ी डिफरेंट है इसका ग्रिल। एंड काफ़ी जगह से चेंज भी करी गई है। एंड आप लोगों को बात करते हैं हम लोग फ्रंट के, फ्रंट में तो ऐसा कुछ हेडलैम्प मिलता है आप लोगों को यहाँ पे, एंड विद द DRL एंड LED एंड मैसिव ग्रिल्स भी मिलती है। एंड बात करते हैं फॉग लैम्प, तो फॉग लैम्प भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे, जो कि होता है कुछ ऑरेंज कलर का एंड काफ़ी अच्छा थ्रो भी देता है। एंड इसमें आप लोगों को कॉर्नरिंग लैम्प भी यहाँ पे मिल जाता है। सो अभी बात करते हैं हम लोग इसका इंजन की, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले इंजन से ही, देन हम लोग बात करेंगे फीचर्स के बारे में एंड साइड लुक के बारे में, एंड एक्सटीरियर का पूरा भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ इस रिव्यू में, ताकि आप लोगों को सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अभी हम लोग करते हैं ओपन इसका इंजन, एंड यहाँ से इसका लॉक ओपन होता है, अंदर से हाथ डाल के ही करना पड़ता है। एंड जब भी आप लोग इसको ओपन करेंगे आपको फील होगा कि काफ़ी हैवी डोर है एक्चुअली इसका, इसका मटेरियल काफ़ी हैवी यूज़ किया गया है एंड काफ़ी हैवी है। पुनीत, इसको ऊपर करना। सो हालांकि आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा कुछ इंजन है इसका, एंड 1.5 लीटर इंजन है एंड काफ़ी पावरफुल इंजन दिया गया है। वरना में पहले से ही काफ़ी पावरफुल इंजन दिए जाते हैं, एंड पेट्रोल में भी आप लोगों को 1.5 का ही ऑप्शन मिलता है एंड टर्बो में 1 लीटर का ऑप्शन मिलता है। हालांकि हमारे पास टर्बो का तो कोई मॉडल नहीं है रिव्यू के लिए, सो अभी कंपेयर तो नहीं कर सकते, बट अभी बात करते हैं इंजन के बारे में, जो CRDI 16V ऐसा कुछ इंजन है। एंड आप लोग देख सकते हैं इधर सब कुछ प्लेस किया गया है अच्छे से, एंड काफ़ी बड़ा है इसका बॉनेट भी, सो काफ़ी अच्छे से वो लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है ह्युंडई। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद ह्युंडई बिल्ड क्वालिटी ऑल्सो। सो बात करते हैं हम लोग अभी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। सो पुनीत, इसको बंद कर देना। एंड अभी आप लोग को मालूम नहीं पड़ जाएगा, लेकिन आप लोग जब भी रियल में इसको चेक करके, काफ़ी हैवी दिया गया है इसका बॉनेट का जो मटेरियल है, एंड इजीली लॉक भी हो जाता है। अभी बात करते हैं साइड प्रोफाइल से। सो ये है एसएक्स मॉडल, सो हमको एसएक्स में एलॉयज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो हालांकि है ऐसे लुक में सिल्वर कलर में, एंड ऑप्शनल में जाते हैं आप लोग तो डायमंड कट आप लोगों को मिलता है। एंड बात करते हैं ORVMs की, सो इस पर ऐसे इंडिकेटर भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड ये इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल भी है, एंड ऐसा कुछ डोर हैंडल मिलता है। एंड यहाँ पे भी आप लोगों को ऐसी ग्रिल लाइनिंग मिल जाती है क्रोम में, जो कि काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करती है, कार के साथ मैच भी होती है। एंड डोर रियर डोर में भी आप लोगों को मिल जाती है, यहाँ तक है। अभी तो मैंने इसके ऊपर से स्टिकर्स नहीं हटाए हैं, बट काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो आप लोगों को यहाँ पे प्रोजेक्टर लैंप मिल जाता है, जो कि हालांकि ऑरेंज कलर में है, और इसको आप लोग अपग्रेड भी कर सकते हैं वाइट में। मेरे को तो अभी नहीं करना है अपग्रेड, बट इसमें आप लोगों को कॉर्नरिंग लैंप भी मिल जाता है, एंड टर्निंग इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है। एंड यहाँ पे है फॉग लैम्प, जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है रात को जब भी हम लोग ड्राइव करते हैं, तो मेरे को तो काफ़ी यूज़फुल लगा। एंड ये कुछ एसएक्स और ऑप्शनल में ही आते हैं, ताकि बेस वेरिएंट में नहीं आता है ये भी, एंड आप लोगों को बेस वेरिएंट में ये भी निकल जाएगा, सब कुछ सिंपल ही मिलता है, बट ये काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एंड टॉकिंग अबाउट द ग्रिल्स काफ़ी अच्छी दी गई है एंड काफ़ी सेक्सी लुक प्रोवाइड की गई है, लाइक डायमंड जो ऐसे ही कुछ दिखता है आप लोगों को जब भी रात में आप लोग देखते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है लाइट्स में। एंड यहाँ पे भी कुछ लाइनिंग प्रोवाइड की गई है, जो हालांकि है क्रोम में यूज़ की गई है, सो काफ़ी अच्छी सेक्सी लुक प्रोवाइड करते हैं एंड काफ़ी अट्रैक्टिव एंड प्रीमियम भी लगता है। एंड यहाँ पे भी कुछ वेंट दिए गए हैं, ताकि आराम से इजीली रेडिएटर को ठंडा रख सके, इसीलिए भी ये प्रोवाइड किया गया है वेंट। एंड यहाँ पे टोइंग हुक के लिए आप लोग इसको भी ओपन करके अंदर टो कर सकते हैं, जब भी हमको कार टो करनी है शायद वही होगा, मैंने अभी ओपन करके देखा भी नहीं। बात कर रहे थे कि इसका साइड लुक जो आप लोगों ने हालांकि देख ही लिया है, तो अभी बात करते हैं हम लोग रियर लुक का। जो आप लोगों का रियर में ऐसे कुछ टेल लाइट मिल जाती है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, रात को काफ़ी अच्छी लगती है। एंड यहाँ पे वरना का बैजिंग है, जो पहले वाली वरना आती थी इसमें कुछ 3 ही लाइट दिए गए थे, अभी 2 ज़्यादा कर दी है, सो काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव है। एंड यहाँ पे साइड इंडिकेटर भी मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे कुछ वेंट की तरह ही दिया गया है लूप, जो काफ़ी स्पॉटी बना देता है इस गाड़ी को। एंड यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग दी गई है, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें मेरे को काफ़ी अच्छा लगा वो है कि पार्किंग सेंसर, जो हालांकि
मैच किया है इस बम्पर के कलर के साथ ही। एंड आप लोग देखते होंगे कि काफ़ी मारुति और ये सबकी कार में बम्पर तो वाइट होता है लेकिन इसके सेंसर आप लोगों को ब्लैक और ये सबकी देखने को मिलता है, जो ह्यूंडई वालों ने काफ़ी अच्छा काम किया है इसके ऊपर। एंड बात करते हैं यहाँ पे ह्यूंडई का लोगो जो नॉर्मली आता है हर एक कार में, एंड एसएक्स का बैजिंग दिया गया है। एंड आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एंड बड़ा लुक दिया गया है इसका बम्पर का। यहाँ पे जो आप लोगों को मिल जाता है डिफॉगर गाइस, एंड ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है कि जब भी आप लोग यहाँ से फॉग आ जाता है रात को तो ये इजीली क्लियर करता है। ये पूरी लाइन एक्चुअली डिफॉगर ही है एंड मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एंड ऊपर जाके देखें हम लोग तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है शार्क फिन एंटीना, जो इसका लुक और इंक्रीज़ कर देता है एंड काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है एंड स्पॉटी भी लगता है। जो हालाँकि मेरे को लगता है कि इसका टॉप एंड वेरियंट में ही आता है ये, एंड शायद एस और एस प्लस में नहीं आता है शार्क फिन एंटीना। एंड एस एक्स मॉडल है तो डेफिनेटली इसके ऊपर आएगा ये सनरूफ, जो आप लोगों को अंदर के इंटीरियर जब भी चेकआउट करवाता हूँ तभी दिखाता हूँ। एंड आप लोगों को मिलता है ऐसा छोटा सा एक सनरूफ जो काफ़ी अच्छा है एंड फील ले सकते हैं आप लोग सनरूफ की भी डेफिनेटली। गाइस अभी हम लोग बात करते हैं इसका बूट स्पेस की, एंड टॉकिंग अबाउट द बूट, आप लोगों को इसमें स्मार्ट ट्रंक मिलता है जो अभी आप लोगों को मैं यूज़ करके दिखाता हूँ कि कैसा रहता है इसका स्मार्ट ट्रंक। जो आप लोग आए एंड मेरे हाथ में की है अभी तो ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा, तीन चार बार ऐसे ब्लिंक करेगा एंड ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाएगा इजीली। मैंने कोई भी बटन नहीं प्रेस किया, सिर्फ आप लोगों को पॉकेट में डालने का है इसको। एंड जब भी आप लोगों के पास हाथ में कोई भी सामान हो भारी तो आप लोग इजीली ओपन कर सकते हैं, सिर्फ सेंसर के द्वारा ही ओपन हो जाता है, बट आप लोगों को अंदर से इसको एक्टिव करना पड़ता है। अभी हम लोग बात करते हैं बूट स्पेस की, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे बूट स्पेस मिलता है एंड काफ़ी सारे बड़े बड़े बैग्स भी रह जाते हैं। सो सेडान में मेरे को लगता है कि होंडा सिटी से तो ज़्यादा ही इसमें बूट स्पेस दी गई है एंड सियाज से भी, बिकॉज ये गाड़ी कंपेयर करती है मारुति सुजुकी सियाज से एंड होंडा सिटी से। मेरे को नहीं लगता कि सियाज से कंपेयर करना वर्थ रहेगा बिकॉज इससे तो काफ़ी एडवांस फीचर्स हैं इसमें, तो लोग कर देते हैं सियाज से भी इसको कंपेयर, बट मैं तो होंडा सिटी से ही कंपेयर करता हूँ इसको। एंड काफ़ी अच्छा बूट स्पेस दिया गया है, पुनीत जैसे दिन दो तीन अंदर सो जाएगा है ना तेरे जैसे पतले। तो आप लोग को अंदर बात करते हैं हम लोग अभी, तो इसमें ये टूल्स दिए गए हैं कुछ, जो रात को कुछ कार में होता है तो हम लोग पार्क करते हैं तो इसको सभी लोग यूज़ करते हैं। एंड हालांकि अंदर मिलता है हम लोगों को ऐसा स्पेयर व्हील जो कि होता है ड्रम में, एंड अंदर ये जैक भी प्रोवाइड किया गया है, ये भी कुछ टूल्स दिए गए हैं अंदर। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है ये वो लोगों ने यहाँ पे अंदर भी सब कुछ। सो गाइज अभी इंटीरियर के बारे में बात करने से पहले आप लोगों के साथ बात कर लेता हूँ इसकी की, जो कि है रिमोट, जो आप लोगों को अभी तो मैंने इसके ऊपर कवर लगा रखा है बट काफ़ी प्रीमियम दी गई है इसका रिमोट। एंड ह्यूंडई में शायद वरना में ही ऐसी की आती है, मेरे को भी नहीं मालूम, जो दूसरी कोई भी ह्यूंडई की कार में भी सेम आती है तो मेरे को कॉमेंट करके बताना बिकॉज मेरे को मालूम नहीं है अभी तो। सो गाइज इसमें आप लोगों को तीन बटन मिल जाते हैं लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन करने का, जो आप लोग इसको होल्ड प्रेस करके रखते हैं तो बूट भी ओपन हो जाता है। एंड बूट ओपन करने के टोटल तीन ऑप्शन है हमारे पास ये कार में, स्मार्ट ट्रंक का एंड अंदर से भी ओपन कर सकते हैं एंड स्मार्ट ट्रंक भी यूज़ करते हैं कर सकते हैं, इसके प्रेस करने से भी ओपन हो जाता है। हालांकि हम लोग बात करने वाले हैं अभी इंटीरियर के बारे में, तो चलते हैं अभी अंदर एंड करते हैं ओपन लॉक। एंड जब भी हम लोग इस कार को अनलॉक करते हैं तो इसमें आप लोगों को ऐसे साउंड भी प्रोवाइड किया जाता है कि काफ़ी अच्छा है, मेरे को लगता है ये पूरा हॉर्न के साथ ही कनेक्ट है। गाइस अभी हम लोग बात करते हैं इस डोर के बारे में, तो आप लोगों को ऐसा कुछ डोर मिलता है एंड काफ़ी हैवी डोर दिया गया है एंड यहाँ पे आप लोगों को ऐसी डिटेलिंग मिल जाती है था कि ड्यूल टोन में दिया गया है इसका इंटीरियर, ऑलरेडी आप लोगों को अंदर से दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हम लोगों को ऐसा कुछ बेज कलर का पार्ट मिल जाता है, ये पूरा मटेरियल यूज़ किया गया है कापड़ वाला जो आता है हर एक कार में नॉर्मल एंड काफ़ी सॉफ्ट है। एंड यहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, ये पावर विंडो का स्विच एंड इसका लॉक अनलॉक करने का भी काफ़ी अच्छा एंड प्रीमियम लॉक भी प्रोवाइड किया गया है एंड ये हालांकि मिलता है आप लोगों को सिल्वर कलर में। अभी चलते हैं अंदर एंड अभी बात करते हैं यहाँ पे बॉटल होल्डर भी मिल जाता है आप लोगों को डोर में, तो आप लोग इधर इजीली 1 लीटर बॉटल भी रख सकते हैं एंड यहाँ पे स्पीकर भी प्रोवाइड किए गए हैं। अभी चलते हैं अंदर एंड आप लोगों को स्पेस के बारे में बात करता हूँ। तो अभी तो ये कार हालांकि एडजस्ट है, ये सीट एक्चुअली आगे वाली सीट से एंड काफ़ी पीछे है एक्चुअली, एंड अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे एंड काफ़ी अच्छे एंड कंफर्टेबली बैठा हूँ। एंड इतनी अच्छी तो मैं स्पेस नहीं कह सकता, बट काफ़ी अच्छी तो नहीं कह सकते हम लोग, बट
अच्छे से प्रोवाइड अच्छी प्रोवाइड की गई है स्पेस भी, एंड काफ़ी कंफर्टेबल सीट भी दी गई है। एंड टॉकिंग अबाउट द सीट, आप लोगों को इसमें ऐसा कुछ मटेरियल मिल जाता है सीट में, जो अभी तो मैंने किधर से ओपन भी नहीं, ऐसा कुछ मटेरियल मिल जाता है आप लोगों को सीट में। मेरे को अभी इसके ऊपर लेदर करवाना पड़ेगा बिकॉज इसमें लेदर नहीं मिलते। एंड अभी बात कर रहे थे हम लोग सीट के बारे में, तो काफ़ी कंफर्टेबल है, थ्री पीपल कैन सेट इजीली फॉर अ लॉन्ग राइड, एंड मेरे को तो लगता है काफ़ी। बट मैं तो आप लोगों को भी रेकमेंड करता हूँ कि चार ही लोग बैठ के जाइए, तो काफ़ी इजीली आपकी जर्नी भी हो जाती है एंड काफ़ी कंफर्टेबल आप लोगों को हो जाती है एंड थकान भी नहीं होती है। एंड बात करते हैं वन मोर प्रीमियम फीचर्स की इस कार में, जो कि कर्टन्स, जो आप लोगों को इधर पीछे दिए गए हैं ऐसे कर्टन, जो हम लोग इसको ईजिली रिमूव भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे प्लेस भी कर सकते हैं इजीली। ये हालांकि आप लोगों को मिलता है सभी प्रीमियम्स कार में, बट अभी हर एक कार प्रोवाइड करने लगी है धीरे धीरे, सॉरी हर एक कंपनी प्रोवाइड करने लगी है धीरे धीरे। एंड टॉकिंग अबाउट सीट, यहाँ पे आप लोगों को ऐसा कुछ बकेट वाला फील मिल जाता है जो काफ़ी कंफर्टेबल प्रोवाइड कर देते। मेरे को एक डिसअपॉइंटमेंट लगा इस कार के बारे में कि इसमें हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं दिए गए हैं, सो वो लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सो काफ़ी अच्छा हो जाता। बट कोई बात नहीं, अभी कंफर्टेबल सीट तो दी गई है, वही बड़ी बात है। एंड यहाँ पे आप लोगों को डोर पे दो स्पीकर्स मिल जाता है एंड काफ़ी अच्छी स्पेस भी प्रोवाइड की जाती है। एंड अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे आप लोगों को दो एसी वेंट मिल जाते हैं पीछे के लिए, एंड आप लोग इधर से इसका थ्रो भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है एंड वो होता है फास्ट चार्जर के लिए, एंड 12 वोल्ट का होता है जो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट यूएसबी प्लेस करके अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द फ्लोर, ऐसा कुछ फ्लोर है इसका, एंड यहाँ पे छोटा सा ही हम्प दिया गया है, वो काफ़ी अच्छा है बिकॉज काफ़ी कार में देखने को मिलता है बहुत ही बड़ा हम्प, जो बीच में बैठे हुए बंदे को काफ़ी दिक्कत होती है। बट मेरे को नहीं लगता कि इसमें होगी, बट चार लोग ही बैठे इस कार में टोटल तो ही अच्छा है एंड कंफर्टेबल भी रहती है आप लोगों की। बात कर रहे थे पीछे की सीट की, एंड अभी बात कर रहे हैं हम लोग फ्रंट की, जो साइड की आप लोगों को पहले यही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें आप लोगों को पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ के बैठ के स्पेस की, जो हालांकि मेरे अकॉर्डिंग टू माई हाइट एडजस्ट की गई है ये स्पेस भी एंड सीट भी। एंड यहाँ पे आप लोगों को ऐसी इतनी तो स्पेस मिलती है, एंड आप लोग ने पीछे भी देख ही लिया होगा कि काफ़ी अच्छी स्पेस है। एंड हालांकि लोग बुराई करते हैं वरना की स्पेस के मामले में, बट है थोड़ी सी कमी स्पेस की, बट इतना तो चलता है। अभी शौक के लिए ली है तो थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ करना तो ज़रूरी है, बिकॉज लाइफ में हर एक चीज़ तो परफेक्ट नहीं मिलती है, ऐसा ही सोच के अभी आगे चलना चाहिए अभी जब भी हम लोग ये कार खरीदते हैं, बिकॉज स्पेस के मामले में थोड़ी सी कम है होंडा सिटी से। बट अभी कोई बात नहीं, बिकॉज मेरे फैमिली वाले तो सब कुछ कंफर्टेबल, सभी लोग कंफर्टेबल बैठ जाते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है आई। अभी बात करते हैं इस डोर के बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे लॉक मिल जाते हैं, यहाँ पे पावर विंडो की स्विच, यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस प्रोवाइड की गई है। एक्चुअली ये इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज ए ग्रैब होल्डर हैंडल की तरह ही, बिकॉज ये एक्चुअली ग्रैब करके बंद करने के लिए होता है, बट हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा सामान भी ठूस देते ही है। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है वन लीटर बॉटल की स्पेस, एंड यहाँ पे थोड़ी और भी स्पेस मिल जाती है, वहाँ पे आप लोग कुछ भी रख सकते हैं अपना सामान। अभी बात करते हैं हम लोग थोड़ी ही देर में ये डैशबोर्ड के बारे में, ये सभी फीचर्स के बारे में, बट अभी बात करते हैं हम लोग थोड़े से स्पीकर के, जो कि रह गया था पेंडिंग, जो यहाँ पे आप लोगों को एक स्पीकर मिल जाता है। एंड यहाँ पे ट्विटर्स का भी ऑप्शन दिया गया है, एंड वो काफ़ी अच्छा है बिकॉज ट्विटर्स तो काफ़ी ज़रूरी है, एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से ट्विटर्स को रिप्लेस किया गया है काफ़ी अच्छी जगह पे, एंड मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इसका साउंड क्वालिटी भी ट्विटर्स का। एंड अभी बात करते हैं हम लोग एसी वेंट की, तो हालांकि आप लोगों को इसमें ऐसे एसी वेंट मिल जाते हैं गाइस, एंड आप लोगों को बीच में भी ऐसे एसी वेंट्स मिल जाते हैं दो, बीच में डिस्प्ले मिल जाती है ऐसी कुछ 7 या 10 इंच की होगी। एंड यहाँ पे स्विचेस दिए गए हैं, सभी कंट्रोल्स दिए गए हैं, एंड हैजर्ड लाइट का भी बटन दिया गया है, एंड ये पूरी ऑटोमेटिक एसी है, सो ये ऑटो एसी है एक्चुअली। एंड काफ़ी अच्छे से सभी प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं इस कार में। एंड यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग, जो अभी आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ फ़ोन मेरा चार्ज करके भी। एंड ये रहा यहाँ इसका गियर नॉब, जो ऐसा कुछ गियर मिलता है इसका, एंड यहाँ में आप लोगों को 6 गियर का ऑप्शन मिलता है, एंड रिवर्स आप लोगों को फ्रंट आगे करके ही करना पड़ता है। टॉकिंग अबाउट द स्पेस, आप लोगों को इधर भी 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, तो आप लोग इजीली ड्राइव करते करते कोक या थम्स अप, आप लोग कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स और ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं, कि मैं तो नहीं रेकमेंड करता आप लोगों को, बट आप लोग इधर बोतल तो रख सकते हैं एटलीस्ट, या कुछ ऐसा सामान लाइक मैंने परफ्यूम लगा रखा है अभी। एंड यहाँ पे आप लोगों को ऐसा कुछ मिल जाता है
हैंड ब्रेक। एंड टॉकिंग अबाउट द आर्मरेस्ट, ये पूरा आर्मरेस्ट है यहाँ का एंड ये पूरा एडजस्टेबल है, सो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन आप लोग इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इसमें भी थोड़ी घनी स्पेस मिल ही जाती है आप लोगों को, हालांकि मैंने इसके अंदर रखा है थोड़ा सा सामान, मेरा वॉलेट ये सब अंदर ही पड़ा रहता है। एंड इसको भी आप लोग इजीली लॉक कर सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट इसका मीटर एंड स्टेयरिंग, अभी मैं आप लोगों को उस साइड जाके सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आ चुका हूँ ड्राइविंग सीट पे एंड आप लोग देख सकते हैं कि सीटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड अभी बात करते हैं हम लोग इसके डैशबोर्ड के बारे में। यहाँ पे आप लोगों को ऐसा कुछ डैशबोर्ड मिल जाता है एंड ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, वैसे तो प्लास्टिक ही है बट थोड़ा सा सॉफ्ट वाली फीलिंग देता है, मेरे को ऐसा लगता है, आपका क्या राय है मेरे को बताना। एंड इतना भी सॉफ्ट नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने गणेश जी की मूर्ति भी प्लेस करी है एंड आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा कुछ रखने का कोई शौक नहीं है इसके ऊपर, मैं इसको एम्प्टी ही रखूँगा, सिर्फ गणेश जी के ऊपर कुछ लगाएंगे हम लोग। एंड अभी हम लोग बात करते हैं इसमें, इसके अंदर ऑलरेडी कीलेस एंट्री और पुश स्टार्ट बटन है, सो आप लोग अपना इंजन यहां से ही स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि मेरे को जब भी इसका इंजन स्टार्ट करना होता है तो मैं क्लच दबा के इसको सिर्फ प्रेस करने का, सो ऐसे ही स्टार्ट हो जाती है हमारी कार। एंड यहां पे आप लोगों को ऐसा ह्यूंडई का लोगो भी मिल जाता है। अभी तो हो चुकी है कार स्टार्ट, तो आप लोगों को इसके वायरलेस के बारे में बता ही देता हूँ कि सो गाइज अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इसका वायरलेस चार्जिंग, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ पैड मिलता है यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का, यहाँ पे जब भी आप लोग फोन रखेंगे अपना तो इजीली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि मेरा नहीं हो रहा है अभी बिकॉज मैंने ये सब कुछ हिला दिया है, सो अभी हो रहा है शायद से चार्जिंग। एंड अभी इसमें आप लोगों को ऐसा कुछ मिल जाता है वायरलेस चार्जर। एंड बात करते हैं चार्जिंग केबल डालने की, जो यहाँ पे भी आप लोग डाल सकते हैं एंड 12 वोल्ट का यहाँ पे तो फास्ट चार्जर आप लोगों को मिल ही जाएगा, फिर हालांकि आप लोग इधर भी डाल सकते हैं अपना चार्जिंग के लिए केबल। एंड अभी बात करते हैं हम लोग इसका एसी ऑपरेटिंग सिस्टम की, यहाँ पे आप लोग फैन की स्पीड हाई लो कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग टेम्परेचर अपना एडजस्ट करते हैं कर सकते हैं। एंड एक्चुअली हालांकि ऑटो पे ऑटोमेटिक है तो आप लोग इसमें ऑटो रख के भी अपने वेदर के हिसाब से ऑटोमेटिक भी एसी चलना स्टार्ट हो जाती है। अभी आप हम लोग बात करते हैं इस डिस्प्ले के बारे में, हालांकि मैंने तो अपना एप्पल कारप्ले ऑन कर रखा है एंड यह है नया मॉडल, तो इसमें एप्पल कारप्ले भी वायरलेस हो जाता है बिकॉज आने अगले मॉडल में शायद 3-4 महीने पहले जो मैं लेता वरना तो मेरे को इधर वायरलेस एप्पल कारप्ले नहीं मिलता। यहाँ पे है एप्पल कारप्ले जो मैं वायरलेस ऑपरेट कर सकता हूँ, यहाँ पे अभी सभी चीज़ें प्रोवाइड करी गई है अच्छे से एंड काफ़ी सारे फीचर्स भी दिए गए हैं। मैप भी इजीली हम लोग इधर से कंट्रोल कर सकते हैं एंड आप लोग देख सकते हैं मैप भी ऑन हो जाता है इजीली एंड यहां से आप लोग सर्च कर सकते हैं। एंड अभी बात करते हैं हम लोग इसके एसी वेंट के बारे में, तो यहां पे दो एसी वेंट दिए गए हैं, वैसे ही यहां पे भी आप लोगों को एसी वेंट मिल जाता है। एंड हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, अभी आप लोगों को दिखाता हूं ऑन करके। जब भी हम लोग इसको ऑन करते हैं स्विच, तो आप लोगों को ऐसा कुछ इंटरफेस मिलता है एंड ये ऑन हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है वाइपर कंट्रोल, आप लोग वाइपर की स्पीड और ये सब कुछ भी यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप लोग सभी वाइपर की कंट्रोल स्विचेस कंट्रोल कर सकते हैं एंड टर्न ऑन टर्न ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से ही। यहाँ पे आप लोगों को इंजन स्टार्ट पुश स्टार्ट बटन भी मिल जाता है। टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील्स, आप लोगों को इसके ऊपर ऐसे कुछ माउंट्स मिल जाते हैं कि इसके इसमें आप लोगों को मोड्स का ऑप्शन मिल जाता है, वॉल्यूम का, नेक्स्ट कॉल उठाने का और ये सब कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को हॉर्न मिल जाता है एंड एयरबैग भी इधर ही प्लेस की गई है। यहाँ से आप लोग यहाँ के इंफोटेनमेंट का सबकी सेटिंग्स को कर सकते हैं एडजस्ट एंड ये ऊपर नीचे करने का स्विच है। एंड यहाँ पे क्रूज कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है इस मॉडल में एंड ये कुछ पूरा क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया गया है। अभी बात करते हैं हम लोग इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जो इस यहाँ से ऑपरेट होता है। सो यहाँ पे आप लोगों को एवरेज प्रोवाइड की गई है एंड सब कुछ यहाँ पे ही आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को रेंज भी दिखाती है ऊपर एंड यहाँ पे बीच में आप लोगों को TFT डिस्प्ले में सभी इंफोटेनमेंट में सभी कार के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाते हैं। एंड बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आप लोग जब भी कार ड्राइव करते हैं आप लोगों को एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी भी दिखाती है एंड हालांकि मेरे को 19.4 की एवरेज मिल रही है, काफ़ी अच्छी है। एंड मैंने जब भी 277 किलोमीटर चला भी लिया एंड यहाँ पे सिर्फ 3 डॉट ही अभी खत्म हुए हैं, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इसकी एवरेज। एंड यहाँ पे आप लोगों को ड्राइविंग डोर पे भी ऐसे कुछ मिल जाता है ट्वीटर्स एंड
बात करते हैं हम लोग इस डोर के कंट्रोल के ऊपर दिए गए कंट्रोल्स के बारे में। तो ये स्विच दी गई है और साइड मिरर को कंट्रोल करने की, जो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इससे क्लोज और ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को ये एडजस्टेबल मिरर का ही स्विच दिया गया है, ये भी मिरर का एडजस्टेबल स्विचेस है, यानी ये चाइल्ड लॉक की स्विच है एंड ये अनलॉक लॉक अनलॉक कर सकते हैं आप लोग अपना डोर। एंड यहाँ पे चारों पावर विंडो की स्विचेस दी गई है। टॉकिंग अबाउट दिस बटन, यहाँ पे आप लोगों को ब्राइटनेस फुल डिम करने का भी स्विचेस दिया गया है कि आप लोग यहाँ के बीच का ब्राइटनेस फुल डिम भी कर सकते हैं। ये रहा हाई बीम लो बीम का जो भी होता है इसका लेवलर, जो आप लोग यहाँ पे थ्री वे में एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। रात को आपको कैसी रोशनी चाहिए इसके ऊपर डिपेंड रहता है। टॉकिंग अबाउट द स्पेस, इस डोर में आप लोगों को यहाँ पे भी स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग ऐसी बोतल भी रख सकते हैं, यानी इसमें भी थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। आप लोग, ये मैनुअल कार है तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन पेडल्स दिए गए हैं, क्लच ब्रेक और एक्सेलरेटर, वो तो आप लोगों को मालूम है। यहाँ से आप लोग इसका वो ओपन कर सकते हो, आगे वाला हुड बूट बॉनेट का वो भी इधर से ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को जब भी आप लोग बूट ओपन करना चाहते हो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, फ्यूल कैप भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मेरे को एक डिसअपॉइंटमेंट लगा इस कार के बारे में, जो ह्यूंडई वालों को एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक सीट भी प्रोवाइड करनी चाहिए थी बट नहीं की गई। सो फिलहाल तो हम लोगों को ये मैन्युअल ही एडजस्ट करना पड़ता है। टॉकिंग अबाउट ORVM, आप लोगों को ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक ORVM देखने को मिलता है। इसके ऑन ऑफ करने की स्विच भी इधर दी गई है। यहाँ से लाइट नहीं अच्छी आ रही, आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा एक्चुअली। एंड टॉकिंग अबाउट ये सनसेट जो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है, इसमें इसके अंदर हम लोगों को ऐसे ग्लास भी प्रोवाइड किया गया है जो वैनिटी मिरर बोलते हैं हम लोग, तो ये इजीली ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लाइट प्लेस की गई नहीं है। एंड बीच में आए हम लोग तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे कुछ सनग्लास होल्डर दिया गया है, एंड आप लोग इधर अपना सनग्लास भी रख सकते हैं। एंड यहाँ से आप लोग सनरूफ का भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे दो रीडिंग लैंप भी दिए गए हैं आप लोगों को, एंड यहाँ से भी आप लोग ये लाइट्स का कंट्रोल कर सकते हैं। इस साइड पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी आप लोगों को ऐसे वैनिटी मिरर मिल जाता है देखने को, एंड काफ़ी अच्छे से आप लोग देख सकते हैं अपने फेस को। एंड यहाँ से भी काफ़ी अच्छे से व्यू आता है पीछे का, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इसका, ये भी प्लस पॉइंट है। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ सनरूफ, जो कि हालांकि पहले कर देते हैं ऑन कार बिकॉज काफ़ी गर्मी हो रही है अंदर। सो इसको क्लच, जब भी हम लोग ऑन करते हैं कार को सिर्फ क्लच प्रेस करना है एंड ये बटन प्रेस कर देना है, कार हो जाती है ऑन एंड ऐसे भी हमारा हो जाता है ऑन। एंड अभी हम लोग बात करते हैं सनरूफ की, तो सनरूफ आप लोगों को इसी तरह कुछ प्रोवाइड किया जाते हैं एंड किया जाता है। एंड यहाँ से आप लोग इसको क्लोज और ओपन कर सकते हैं। एंड बात करते हैं हम लोग सनरूफ की, इसके अंदर भी आप लोग थ्री वे कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक आप लोगों को थोड़ा सा टिल्ट रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं, देखा आप लोगों ने देख लिया होगा कि ऐसे ओपन हो गया एंड थोड़ा सी एयर आने के लिए। एंड जब भी आप लोगों को पूरा ओपन करना होता है तो आप लोगों को पहले इसको तो ऐसे सॉरी बंद करने का है एंड पूरी तरह ओपन हो जाता है ईजिली। एंड इसको सिर्फ बंद करने के लिए एक ही बटन की ज़रूरत है, एक बार आप लोग प्रेस करिए ये पूरा बंद भी हो जाता है। एंड गाइज यहाँ से आप लोग हमारा स्टेयरिंग्स भी कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ से इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं दिया गया है इसमें, बिकॉज ऑप्शनल में आप लोगों को टेलीस्कोपिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट स्पेस, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताई दी काफ़ी अच्छा। एंड यहाँ से आप लोग अपने सीट का भी हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं सीट को। एंड स्टेयरिंग व्हील्स की बात करें हम लोग तो काफ़ी अच्छा एंड प्रीमियम स्टेयरिंग व्हील दिया गया है। एंड आप लोग देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम स्टेयरिंग व्हील है एंड इसके ऊपर पूरा लेदर का वो स्टिचिंग भी दिया गया है, एंड वो भी स्टिचिंग के साथ पूरा लेदर प्रीमियम लेदर भी प्रोवाइड किया गया है, वो काफ़ी अच्छा एंड प्रीमियमनेस और बढ़ा देता है इस कार के ऊपर। एंड अभी हम लोग बात करें इंफोटेनमेंट की, यहाँ पे आप लोग इसके थीम्स भी चेंज कर सकते हैं, वो आने वाले वीडियो में मैं कवर कर लूंगा बिकॉज आने वाले वीडियोस के लिए कुछ कंटेंट तो रहना जरूरी है हमारे पास। बट यहाँ से आप लोग ये मीडिया रेडियो ट्रैक और ये सब कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं इस डिस्प्ले के ऊपर, हालांकि किसी। सो गाइस हम लोग अभी सनरूफ की बात कर ही रहे थे तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ से आप लोगों को ऐसा कुछ व्यू आता है ऊपर से, एंड अंदर पुनीत बैठा हुआ है। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ एक्सपेरिमेंट करके पुनीत को बाहर निकाल। पुनीत अभी बाहर आ जा सनरूफ से,
सो आप लोग देख सकते हैं कि पुनीत इजीली खड़ा हुआ है सनरूफ से बाहर, एंड छोटे बच्चे तो दो लोग आराम से खड़े रह सकते हैं इसके ऊपर, एंड पुनीत भी काफ़ी कंफर्टेबल है ना पुनीत? यस, दो लोग तो आराम से खड़े हो सकते हैं ना? यस, हाँ एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन वाइफ आ जाएगी। सो आप लोग देख सकते हैं साइड से सनरूफ के साथ ऐसा कुछ लुक आता है अभी। सो गाइस, इसी के साथ हम लोग करते हैं अपना रिव्यू आज का क्लोज यहाँ पे, एंड आई होप आप लोगों को पूरा अंडरस्टैंड हुआ होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, एंड कोई भी फीचर्स मिस आउट हो गए होंगे तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि आप लोगों के लिए मैं आगे आने वाले टाइम में कवर कर सकूँ। बिकॉज फिलहाल तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं घर पे एंड पूरा रिव्यू कंप्लीट करके। सो आई होप ये पूरा रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड कोई भी फीचर्स रह गया तो आप लोगों को डेफिनेटली मेरे को बताना है, ताकि हम लोग आने वाले टाइम में कवर कर सकते हैं। एंड अभी तो काफ़ी सारे कॉन्टेंट आने वाले हैं इस कार के ऊपर, बिकॉज अभी तो नई है, एंड काफ़ी सारे कॉन्टेंट्स आएंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस भी आएगी, एंड ये मुर्गा तो डेली ही बोलता है इधर आते ही। सो गाइज, I hope you like the video. If you like this video, don't forget to hit the like button, press the bell icon, keep watching, keep smiling. मिलते हैं नए वीडियो में, till then bye. And आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे crazy content आने वाले हैं, so bell icon ज़रूरी press करना, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो की notification जल्दी से मिल जाए।